हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ समर स्पेशल लंच थाली मेन्यू। ये बहुत ही आसान है रिक्रिएट करना। इन अबाउट 60 मिनट्स आप सारी रेसिपीज़ को बना लेंगे और या आप अपने लिए या अपने घर आए गेस्ट के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे धनिया चटनी। और धनिया चटनी बनाने के लिए मैं ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ 1 इंच जिंजर पीस, साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज और 1 टमेटो। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून दही और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स अराउंड 1/2 टीस्पून और सॉल्ट। सॉल्ट मैंने स्वाद अनुसार ऐड किया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1.5 टीस्पून और जस्ट अ पिंच ऑफ हींग। और ये चटनी मैं 1 बंच धनिया से बना रही हूँ, तो बस मैंने धनिया भी ऐड कर लिया है और अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने बिना पानी ऐड किए इसे ब्लेंड किया है और ये कंसिस्टेंसी रखी है चटनी की। और अब इसके अंदर मैं लेमन जूस ऐड करूंगी, तो अराउंड 1 लेमन का जूस मैंने ऐड किया है 2.5 टीस्पून्स। और बस ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लीजिए और देखिए हमारी स्वादिष्ट चटनी बनके एकदम तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे चावल। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और पानी के बॉयल होने के बाद मैं इसमें अपना धुला हुआ चावल भी ऐड कर दूंगी। तो जब तक हमारा चावल बन रहा है, तो चलिए हम बनाते हैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम कर लिया है, उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। सूखी सब्जियाँ मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से सूखी सब्जियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तेल गरम हो जाएगा, तो उसमें हमने जीरा, हींग और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर को जब आप गरम तेल में ऐड करते हैं, तो उसका जो कलर आता है सब्ज़ी में, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद इसमें मैंने अराउंड 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 ग्रीन चिलीज ऐड करी हैं। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं खाते, तो आप उसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपना आलू और गोभी। आज मैं जो मटर यूज़ करने वाली हूँ, वो फ्रोज़न मटर है, वो ऑलरेडी बॉयल्ड रहते हैं। बट अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं, तो मटर को भी आप साथ ही में ऐड कर दें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1.5 टीस्पून ऐड किया है और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ किचन किंग मसाला और करियांडर पाउडर, दोनों मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है, तो आप इसे बिना उसके भी बना सकते हैं, या आप कोई भी सब्ज़ी मसाला इसमें ऐड करें। और बस इसे हम थोड़ा सा जेंटली मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारा मसाला सब्ज़ी के ऊपर कोट हो जाए। और इसे हम लो मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। तो देखिए, हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे। और यहाँ पे मेरा चावल भी बनके रेडी हो गया है। एक बार सब्जी को हम फिर से देख लेते हैं, चला लेंगे सब्जी को एक बार। देखिए, सब्जी अब श्रिंक होने लगी है, मतलब पकना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें अपना जो मटर है, वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1 कप मटर यूज किया है और फिर से हम इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे। 5 से 7 मिनट और बाद आपकी सब्जी जो है, वो बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगी। तो बस ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल दिया है, जो कि इस सब्जी का टेस्ट दुगना कर देता है। और गार्निश करने के लिए मैंने धनिया पत्ता चॉप करके रखा है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक बार फिर से बहुत जेंटली मैं चला लूंगी, जिससे कि मेरे जो गोभी के पीसेस हैं, वो टूटे ना। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्जी खाने में, स्पेशली चावल के साथ। तो चलिए अब बनाते हैं पकौड़ा कढ़ी। और पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी पकौड़ा, जिसके लिए मैंने लिया है अराउंड 4 टीस्पून्स बेसन। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन। बट अगर आप अनियन नहीं खाते, तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, आप सादे पकौड़े भी बना सकते हैं। उसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी पकौड़ों के हिसाब से ही। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो सबसे पहले हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो पानी होता है प्याज में, उससे बेसन गीला हो जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक बैटर तैयार करेंगे, जैसे हम पकौड़ों का तैयार करते हैं। ध्यान रहे, आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे, तो आपका बैटर गीला हो जाएगा और फिर बेसन को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आपको और बेसन ऐड करते रहना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी करके ही बैटर को अपना तैयार करें।
तो देखिए मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें जस्ट मैं पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी, जिससे कि हमारे पकौड़े बहुत ही फूले हुए और सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी रखी है मैंने अपने बैटर की। आप चाहें तो पकौड़े तल भी सकते हैं, बट मैं आज अपने पकौड़े आपम पैन में बना रही हूँ। तो बस आपम पैन को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। आपम पैन में बनाने के दो फायदे होते हैं, एक तो तेल कम लगता है और ऊपर से जो आपके पकौड़े आते हैं निकल के वो एकदम सिमेट्रिकल होते हैं, सेम शेप साइज़ के होते हैं, जो कि सब्ज़ी में देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब आप पकौड़े बनाएं तो आप ध्यान रखें कि अपना फ्लेम जो है वो लो पर रखें, जिससे कि पकौड़े अच्छे से सिकें। तो देखिए एक एक करके मैंने सारे मोल्ड में अपना जो बैटर है वो डाल दिया है और अब इसे मैं ढककर पकाऊंगी लो फ्लेम पर। तो देखिए हमारे पकौड़े किस तरीके से फूल रहे हैं। ये अपम पैन मैंने इंडिया से लिया था, बट अगर आप चाहते हैं तो इसका अमेज़ॉन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाता है। अबाउट 5-7 मिनट्स में ही ये एक साइड से इस तरीके से सिक गए हैं और मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पलट लूँगी दूसरी साइड से सेकने के लिए भी। तो अब मैं दूसरी साइड से सेकने के लिए भी बस थोड़ा थोड़ा ऑयल से इसे ग्रीस कर रही हूँ, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो ये दूसरी साइड से ऐसे भी सिक जाएंगे। और 3 से 4 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और फिर हम अपनी कढ़ी बनाने के प्रोसेस में चलेंगे। तो देखिए कितने सुंदर पकौड़े निकल कर आए हैं एकदम सेम साइज़ के, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप बेसन लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप दही डालूंगी। ये थोड़ा खट्टा दही है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टीस्पून। और अब इसे एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहें। और अब इसके अंदर मैं 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद फिर से मैं इसे विस्कर से मिक्स कर लूँगी एक इवन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है और अब इसमें मैं अराउंड 2 टीस्पून घी डाल रही हूँ। मुझे घी वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद आती है, बट अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल में कढ़ी को बना सकते हैं। तो बस घी के गर्म हो जाने पे मैंने इसमें हींग जीरा ऐड कर दिया है, ड्राई रेड चिलीज़ ऐड कर दी हैं। मैं यहाँ पे मैंने 3 ड्राई रेड चिलीज़ यूज़ की हैं और अबाउट 1/2 टीस्पून मेथी दाना यूज़ किया है। और अब हम इसके अंदर अपना बैटर भी डाल देंगे। तो बैटर डालते वक्त आप ध्यान रखें कि फ्लेम को एकदम लो पर रखें और चला के एक बार बैटर को आप ऐड करें। और इसके बाद इसके अंदर मैं 2 ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ। तो बस पानी ऐड करते टाइम मैंने अपने फ्लेम को लो पर रखा था, अब मैंने मीडियम कर लिया है और अब फर्स्ट बॉईल आने तक मैं अपनी कढ़ी को इसी तरीके से चलाते चलाते पकाऊंगी। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि उनकी कढ़ी फट जाती है, तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप कढ़ी बनाएं उसको फर्स्ट बॉईल आने तक इसी तरीके से चलाते रहें और नमक पहले ना ऐड करें। जब आपकी कढ़ी में फर्स्ट बॉईल आ जाए तब आप इसके अंदर अपना सॉल्ट ऐड करें। और इसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि आप अपनी कढ़ी को कितना थिक या थिन रखना चाहते हैं। तो मैं अपनी कढ़ी को थोड़ा सा थिन ही रखती हूँ। बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और साथ ही साथ मैं इसमें पकौड़े भी डाल दूंगी। कढ़ी रखे रखे भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, इसीलिए मैं अपनी कढ़ी को इनिशियली थिन रखना पसंद करती हूँ। पकौड़े ऐड कर दिए हैं, जिससे कि ये भी थोड़ा सा कढ़ी को सोक कर लें। और अब हम बनाएंगे कढ़ी के लिए तड़का। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट ये कलर बहुत अच्छा देता है कढ़ी को, इसीलिए मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा घी लिया है, घी के गर्म होने पे उसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और जब रेड चिली पाउडर कुक हो जाएगा तब इसे मैं कढ़ी में डाल दूंगी। इससे कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, बट अगर आप तीखा नहीं खाते तो इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। कढ़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है जब अगर आप दिन में बनाई हुई कढ़ी रात को खाते हैं, और ये गर्मा गर्म भी बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इसी तरीके से ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपकी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो चलिए अब बनाते हैं सैलड। और सैलड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है क्यूकम्बर, जिसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। इसे मैं एक लार्ज मिक्सिंग बाउल में डाल लूँगी। साथ ही साथ मैंने एक मीडियम साइज़ टमेटो को चॉप किया है, उसको भी मैं मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने 1/2 मीडियम साइज़ अनियन को चॉप किया है, उसे भी मैं डाल दूंगी। और अपने सैलेड को कलरफुल करने के लिए मैंने धनिया पत्ता चॉप किया है, उसे भी मैं डाल दूंगी मिक्सिंग बाउल में। और बस मैं सारी सब्जियों को आपस में मिक्स कर लूँगी और इसे सर्व करते टाइम मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस एंड सॉल्ट ऐड करूँगी। अभी नहीं ऐड करूँगी, अदरवाइज सारी सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देंगी।
तो अब हम बनाते हैं मसाला मिंट छाछ, और उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है जिसे मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। उसके बाद इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर दूंगी इसे पतला करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें मैं भुना जीरा पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी स्वाद अनुसार, और साथ ही साथ ड्राई मिंट पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश मिंट है तो आप उसे क्रश करके ऐड करिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बट आज मेरे घर पे मिंट नहीं था तो मैंने ड्राई मिंट पाउडर ऐड किया है। और बस विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से चला लूँगी जिससे कि ये एकदम एक सार हो जाए, और ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा कूलेंट की तरह काम करता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसे थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर से गार्निश कर लीजिए। तो देखिए हमारी समर स्पेशल थाली बनके एकदम रेडी है। यहाँ पे हम सर्विंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चटनी, सैलेड, चावल, छाछ सर्व कर दिया है, साथ ही साथ मैं कढ़ी सर्व कर रही हूँ और सब्जी सर्व करूँगी। और हमारा कोई भी इंडियन खाना कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम उसके साथ पापड़ ना सर्व करें, तो एक पापड़ भी मैंने सर्व किया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की समर स्पेशल लंच मेन्यू थाली। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए आए हैं तो। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो सच्ची में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।